मम्मी मैं थोनू सारे कर ला बने तुसी इत्थे बैठे हो। हां मैं कहा चल ऊपर धुप सेक ला थोड़ी जी आके। अच्छा मैं थोनू एक गल दसनी सी। की गल दसनी है दस पुत्त। मम्मी मेरे दोस्तां ने आना सी। कादे वास्ते आना सी? पढ़ाई वास्ते। अच्छा चल ठीक है फिर। पर मम्मी एक मेरा काम कर दोगे, वेज कटलेट बना दियो। ते सब्जियां तैनू कटनियां बैणियां ओदे विच? कोई नहीं कट लांगा। चलो वेज कटलेट बनाना स्टार्ट कर दे। तो देख दिया गुरमीत ने सारी सब्जियां कट लिया की कर रहा हो। ओह वेरी गुड, मुंडा तां लग्या होया रसोई दे विच। बस कट ही गई। ओ बेटा सारी वेजिटेबल तैयार ने गिया। यस मॉम। बस हुणे ही तैयार कर दिया मैं छेती तो छेती। तो पहला जी आपां ने एक मिक्सिंग बाउल लिया जिदे विच आपां ने पांच आलू ने जिन्हां नूं आपां ने उबाल के लिया है। तुसी देख सकते हो कि मैं आलूआं नूं चंगी तरह मैश कर लिया है। तुसी इहनूं ग्रेटर दी मदद दे नाल भी ग्रेट कर सकते हो जे हत्थां नाल भी मसल सकते हो। हुण आपां इहदे विच होर सब्जियां पावांगे। सब तो पहला असी इत्थे एक बड़ा प्याज लिया सी, ओह पावांगे। प्याज जेकर तुसी नहीं खांदे हो तां तुसी स्किप भी कर सकते हो। ते दो हरी मिर्च ले सी मैं बरीक बरीक कट के लिया ने। ते एक हाफ शिमला मिर्च सी जिसनू मैं बहुत ही बरीक कटिया है, ये भी पा दांगे। ते थोड़े से बीन्स ने जिन्हां नू बहुत बरीक बरीक कटिया इन्हां नू भी पा दांगे। ते जो एक गाजर ले सी जिन्हू मैं चंगी तरह कस लिया ये भी विच पा दांगे आपां। ते नाल ही आपां अदरक लिया सी एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसनू मैं कद्दूकस कर लिया उसनू भी आपां विच पा दांगे। ते हाफ कप दे करीब मैं मटर लए ने जिन्हां नू मैं उबाल लिया वह भी विच पा दांगे असी। ते थोड़ा जा धनिया, धनिया फ्लेवर भी दिंदा हैगा ते इहदी खुशबू भी बहुत वधिया हुंदी आ, वह भी पा दांगे आपां। हुण आपां इहदे विच सुके मसाले ऐड करांगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर ते वन टी स्पून दे करीब आपां धनिया पाउडर पा दांगे। ते जो नमक आ ओह टेस्ट दे मुताबिक। ਤੇ ਹੋਰ ਚਟਪਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰੰਬਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਜ ਕਟਲੇਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰੰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਕਸਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੈਜ ਕਟਲੇਟ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੱਥ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਟਲੇਟ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਟਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਰਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਟਲੇਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਡਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਪਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਟਲੇਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਟਲੇਟਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਮਚ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਆ।
ते असी हुण इस मैदे दा एक घोल बनावांगे, जानी के एक सलरी बनावांगे आपां। तो आपां इहनूं ज्यादा पतला भी नहीं करना ते आपां इहनूं ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। तुसी देख सकते हो कि एक परफेक्ट घोल है जो मैदे का वो बन के तैयार हो चुका है। हुण असी इहनूं एक साइड कर दांगे ते दूसरी साइड आपां जो सुक्का मैदा हैगा वह लिया हैगा। तीसरा आपां ने इत्थे ब्रैड क्रम्स लए ने ते असी एक कटलेट चकांगे ते उन्हूं सुके मैदे च लपेट लांगे ते मैदा डस्ट करदे हुए सलरी च पावांगे ते नाल दी नाल आपां इहदे विच इहनूं डिप कर दांगे। डिप करके आपां ने जिहड़ा इह हैगा इहदा ब्रैड क्रम है इहनूं दबा देना हैगा तां जो इह निकले ना तेल दे विच। जे आपां इहनूं दबावांगे नहीं तां तेल दे विच निकलूगा। इसे तरह आपां जो सारे कटलेट्स ने वो तैयार कर लवांगे। तुसी देख सकते हो कि वेज कटलेट ने जो बन के तैयार ने, हुण इह फ्राई करन लई बिलकुल तैयार ने। पर इहनां नूं फ्राई करन तों पहलां आपां 10 मिंट डीप फ्रीजर दे अंदर रखांगे तां कि इह बिलकुल सैट हो सकन। सो जी जो कटलेट ने उह रेडी ने बिलकुल तलन दे वास्ते। असी मैं तेल नूं गर्म होना रख लिया। तेल नूं आपां ने बिलकुल प्रोपर गर्म करना है इहनूं ते इहदे विच आपां तेज मतलब के गर्म करना। कटलेट से किक करके पा दांगे। इहदे च जिन्ने कटलेट पैणगे आपां उन्ने ही पावांगे, ज्यादा ना पाईए तां ज्यादा वधिया। तेल इहदे विच प्रोपर गर्म होना चाहीदा। हुण असी इहनूं नालों नाल पाउण तों बाद असी इहनां नूं नहीं हिलावांगे क्योंकि बहुत ही नरम ते सॉफ्ट हुंदे ने, इह टुट भी सकदे ने। आपां इहनां नूं थोड़ा जिहा पक्कण लवांगे, उस तों बाद इहनां नूं आपां हिलावांगे। देख सकते हो कि कटलेट ते हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुकिया। आपां हुण इहनां नूं पलटांगे। इहनां नूं आपां गोल्डन ब्राउन करांगे। तुसी देख सकते हो कि अपने कटलेट ने जो बन के वो रेडी ने। देखो जो एक्स्ट्रा ऑयल आपां उहदे विचों कढ दांगे। अपना कटलेट बन के तैयार आ ते आपां इहनूं पेपर टावल दे उपर कढांगे। तुसी देख सकते हो कि जो अपना तेल आ वह भी ब्रैड क्रम्स ने नाल खराब नहीं होया क्योंकि आपने जो ब्रैड क्रम्स इहदे उत्ते लगाए से उन्हें चंगी तरह दबाया से। सारे जो कटलेट्स ने कट लेंगे आपां। वाओ, बहुत ही वधिया बन गए तैयार हुए ने कटलेट्स। बहुत ही ज़्यादा क्रंची ते बहुत ही ज़्यादा अंदरों सॉफ्ट वेज कटलेट बन के तैयार ने, जो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची ने ते अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ने। जेकर तुहानू वेज कटलेट की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि मनदीप किचन नू सबसक्राइब करो ते मेरी वीडियो नू लाइक शेयर करना ना भूलना ते घंटी का बटन जरूर दबाना ताकि मेरी नवी वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहला तुहाडे कोल पुजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।